हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बादशाह ने ना बाज रखा हुआ था और बड़ा प्यार करता था उससे। अब जो बाज होता है ना, उसके नाखून लंबे हों तो फिर वो शिकार कर सकता है, उसके पर भी थोड़े बड़े बड़े हों तो फिर ही वो सजदा है। तो बादशाह ने रखा था, खिलाता था, पिलाता था, प्यार करता था उसके साथ। तो एक दिन वो बाज उड़ गया, बेवफाई कर गया। उसने कहा शायद मैं यहाँ कैदी हूँ। वो उड़ के ना तो एक बूढ़ी खातून के घर में चला गया। तो उस बूढ़ी खातून ने उसे पकड़ा तो बड़ा सख्त प्यार किया उस बूढ़ी ने उससे, खालिस मोहब्बत की। कहने लगे देखो कितनी ज्यादती की है किसी, कितने बेचारे के नाखून लंबे लंबे हैं, कभी किसी ने काटे नहीं। मोहब्बत की, प्यार किया, मुखलिस थी। उसने कैंची पकड़ी या कोई ऐसा आला जिससे तो सारे उसके नाखून काट दिए। फिर कहने लगी देखो कितना बेचारे पर बोझ है, इतने इतने बड़े पर हो गए, कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि इसके पर काट दिए जाए, ज़रा सफाई हो जाए। फिर उसने उसके पर काट डाले, उसने प्यार किया। किनार फिर रूमी रो के कहते हैं उस मोहब्बत में पर कट गए, शिकार की सलाहियत चली गई, उसने प्यार किया। लेकिन वो बाज वहां रो पड़ा और रो के कहने लगा माँ ये तूने प्यार किया, मुझे नाकारा कर दिया, तो उड़ने वाला हूं मैं तो बैठ सकता ही हूं पर मुझे बेपर कर दिया तूने, ये प्यार है, मोहब्बत, प्यार, खुलूस, उसमें भी तो काबिलियत और अहलियत की जरूरत है। और फिर रूमी कहते हैं फिर वो बाहर रोया, रो के कहने लगा काश कभी मेरा मालिक मुझे मिल जाए ना, उसे सलीका आता था मुझे संभालने का, क्या किया मेरे साथ इतना जबर। फरमाते हैं बादशाह ढूंढता ढूंढता आ गया और जब गली से उस बादशाह ने ढूंढते ढूंढते गुजरा तो उसकी आवाज उस बाज ने सुनी तो वो चीखा। बादशाह ने उस दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर वो बाज था। अम्मा ने बुलाया तो बाज फिर जोर से रोया, कहने लगा मैं समझता था कि तू जो मेरे साथ कर रहा है ये मोहब्बत नहीं है, लेकिन अब मुझे पता चला कि इसने की तो मोहब्बत ही थी पर मेरे पाड़ी काट डाले सारे, इसकी मोहब्बत ने मेरी आजादी छीन ली, इसकी मोहब्बत ने मेरी सेहत छीन ली। काबिलियत और है, इखलास और मोहब्बत और है, मुखलिस होना भी बड़ी बात है और मोहब्बत करना भी बड़ी बात है, पर उसके साथ काबिलियत होना भी जरूरी है। उसने फिर रो के अपने मालिक से फरियाद की तो उसने कहा तू बेवफा है, बेवफाओं को अब दोबारा नहीं ले जाया जा सकता। उसने कहा मैंने बेवफाई की सजा भी तो पाई है, मैं बेवफा था तो देख मेरी आज़ादी का क्या हाल हुआ है। बादशाह ने फिर उसे माफ़ कर दिया और अपनी पनाह में लिया। और फिर उम्मीद लिखने के बाद लिखते हैं किसी से मोहब्बत ज़रूर करो पर उसके पर तो ना ना काटो, और किसी से मोहब्बत ज़रूर करो पर उसकी आज़ादी तो ना छीन लो, किसी से मोहब्बत ज़रूर करो पर इस तरह की उस पर सवारी ना करो कि उसकी प्राइवेसी बेचारे की